हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नई रिव्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको रिव्यू देने वाला हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है फिल्म जानवी कपूर की, जिसका नाम है गुड लक जेरी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर काफी ज्यादा शानदार लगी थी। और दोस्तों जानवी कपूर है इस फिल्म के अंदर, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। और दोस्तों इतनी प्यारी है कि जानवी कपूर की एक्टिंग के देखने के लिए तो मैं तो दीवाना रहता हूँ हमेशा। दोस्तों उनकी फिल्म रिलीज हुई है काफी टाइम बाद, और दोस्तों काफी टाइम बाद उन्होंने एक फिल्म के अंदर काम किया। दोस्तों काफी एक्साइटेड था मैं इस फिल्म के लिए, और इवन इस फिल्म का ट्रेलर को देखकर। अब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, मैंने देखकर खत्म कर लिया, सोचा आपके साथ छोटी सी रिव्यू वीडियो शेयर कर दूं। दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की जो फिल्म है ये ऑनेस्टली कॉमेडी फिल्म है, लेकिन दोस्तों साथ में आपको इसके अंदर इमोशनल कंटेंट काफी ज्यादा नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानवी कपूर का कैरेक्टर काफी ज्यादा प्यारा सा दिखाया गया है इसके अंदर, यानी कि इतनी मासूम सी लड़की दिखाई गई, गांव की लड़की जो कि शहर पे आती है दोस्तों, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर रहती है और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से उसको पैसा कमाना होता है, और वो किस किस चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन काफी अच्छी लगी है मुझे इसकी स्टोरी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही एकदम भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसकी स्टोरी, तो आपको काफी मजा आएगा इसको देखकर। बात करें दोस्तों इस फिल्म के अंदर, एक चीज जो मुझे कमी नजर आई है वो यह है कि इस फिल्म के अंदर कोई खास हीरो नहीं था। जैसे कोई बड़ा हीरो नहीं होने की वजह से ये फिल्म शायद थोड़ी फ्लॉप जा सकती है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा ही तो जब तक हीरो ना हो तब तक मजा नहीं आता। लेकिन दोस्तों फिर भी इन सबको साइड रखते हुए जानवी कपूर की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा शानदार है इस फिल्म के अंदर। फिल्म की स्टोरी भी मुझे ऑलमोस्ट अच्छी लगी, एवरेज लगी, वन टाइम आप इसे वॉच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें इस फिल्म की और कमियों के बारे में, तो इस कमी के अंदर मुझे थोड़ी सी एक चीज, म्यूजिक, फिल्म की म्यूजिक काफी ज्यादा पुअर है, ऑनेस्टली काफी ज्यादा पुअर है, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है म्यूजिक की इस फिल्म के अंदर। लेकिन स्टोरी ठीक ठाक है, इसी वजह से ये फिल्म काफी बोरिंग नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं कि मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूं। जानवी कपूर की वजह से मैंने इस फिल्म को देखा था और मुझे इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, फिल्म के अंदर काफी कमियां थी जिस वजह से ये फिल्म और अच्छी हो सकती थी, और फिल्म काफी लो बजट है, ये फिल्म को देखकर आपको पता चल जाएगा। इतनी खास बजट नहीं बनाई गई है इस फिल्म की, बहुत ही एवरेज और सिंपल सी फिल्म है। कॉमेडी काफी अच्छी है इस फिल्म के अंदर, इस वजह से आपको काफी हंसी भी आएगी और इमोशनल भी है टाइम्स इस फिल्म के अंदर, तो शायद आपको इमोशंस भी अच्छा नजर आ सकता है इस फिल्म के अंदर। बाकी दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को अभी तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में।